हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.22 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टैक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लिए थे, सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए सॉरी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would be a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirt marked at rupees 850 each? मैंने आपको लास्ट क्लास में जब टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी टैक्स निकलता है, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो वैल्यू एडिड टैक्स हो, चाहे फिर वो जीएसटी हो, वो हमेशा आपके पास मार्क्ड प्राइस पे निकलता है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि एक सेल के टाइम पे क्या हुआ, एक शॉपकीपर ने एक ऑफ़र निकाला कि वो 10% का डिस्काउंट देगा मार्क्ड प्राइस के ऊपर। यहाँ आपको डिस्काउंट दे रखा है और डिस्काउंट भी हमेशा आपका मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है। हमने डिस्काउंट वाले एग्जांपल्स भी किए हैं, अपने चैनल पे सारे एग्जांपल्स अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस मुझे यहाँ पर जीन्स की दे रखी है और दो शर्ट की दे रखी है। देखो यहाँ लिखा है 850 ईच, मतलब दो शर्ट हैं तो एक शर्ट की कॉस्ट है 850, आपको दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेती हूँ कि टोटल मेरी मार्क्ड कॉस्ट है कितनी जीन्स की और दो शर्ट की, फिर उस पर ओवरऑल 10% डिस्काउंट निकाल के, ठीक है ना, अगर वो डिस्काउंट में माइनस कर दूँगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो सेल प्राइस कितना होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जीन्स पे अलग डिस्काउंट निकाल लें और शर्ट पे अलग डिस्काउंट निकाल लें और दोनों का अलग अलग सेल प्राइस निकाल लें और लास्ट में दोनों को ऐड कर दें। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर दोनों से ही आपका सेम आएगा। अब देखो हम इसको यहाँ पर करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, वो मेरे पास है 1450। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स। देखो एक शर्ट की 850 है तो दो शर्ट की आप निकाल सकते हो उसको टू से इंटू करके, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 1700 यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं ब्रैकेट में आपको करके बता रही हूँ कि ये 1700 आया कैसे है, टू से इंटू करके आया है। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 507 + 411 3150 आपके पास ये टोटल मार्क्ड प्राइस आया जिस पे ओवरऑल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि ये टोटल क्या है हमारे पास मार्क्ड प्राइस है। अब डिस्काउंट मुझे यहाँ पर दे रखा है, परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो वो दे रखा है 10%। तो डिस्काउंट को क्या करते हैं, रुपी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं रुपी, क्योंकि अब हम रुपी की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो 3150 का 10% अगर आप निकालोगे तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो 315 आपका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा था व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर कितना पे करेगा, इतना प्राइस था, इतना डिस्काउंट मिल गया तो माइनस करोगे उतना ही तो वो पे करेगा। तो यहाँ लिख दो बस, कस्टमर हैव टू पे, तो 3150 में से क्या करो आप, 315 को माइनस कर दो। ठीक है ना, डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2835। इसका मतलब जो आपने जीन्स और दो शर्ट खरीदी ना, उनकी वैसे एक्चुअल में कॉस्ट इतनी थी, पर सेल के टाइम पे आपको डिस्काउंट मिला तो इसलिए अब आपको इतना पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ अ टी वी इज़ ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। कह रहे हैं यहाँ पर एक टी वी का प्राइस आपको दे रखा है 13,000 है, अगर आप उस टी वी को खरीदते हो तो उस पर आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा 12% का सेल टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको ये बताना है कि अगर विनोद इस टीवी को ख़रीद रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो उसे 13,000 तो पे करना ही करना पड़ेगा, साथ के साथ ये 12% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम ये 12% का टैक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो
तो प्राइस ऑफ टीवी मुझे कितना दे रखा है, वो दे रखा है 13,000। सेल टैक्स निकालो सबसे पहली बात, तो इसी का ही तो 12% निकलेगा, है ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 को क्या करो आप 12 से इंटू कर दो, जीरो हटा के कर लो पहले, तो कितना आ जाएगा आपके पास 156, और ये वाली जीरो ऐसी लगा दो, इसका मतलब इतना आपका सेल टैक्स है। अब विनोद को कितना पे करना है, ये वाला भी पे करना है और ये वाला भी पे करना है, तो दोनों को फिर तो ऐड कर दूँ ना, तो बस यहाँ लिख दो लास्ट में, विनोद विल हैव टू पे। तो 13,000 में मैंने क्या किया, 1560 को ऐड कर दिया। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा वो रुपी 14560, 14,560। इसका मतलब विनोद को अगर वो टीवी ख़रीदना है तो उसको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आज यही 2 क्वेश्चंस करेंगे, मैंने एक डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दिया है और एक सेल टैक्स से रिलेटेड करा दिया है। 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी डिस्काउंट एंड सेल टैक्स या वैट या जीएसटी से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट क्लास में करके इस एक्सरसाइज को अपना कंप्लीट कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे इन 2 क्वेश्चंस में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।